जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। और मित्रों, ये सीरीज चल रही है आपकी, 50 क्वेश्चन होंगे आज। देखिए मित्रों, आज का मोटिवेशनल कोड है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो मित्रों, जीतता वही है जो लड़ता है, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो हार जाएगा। और मित्रों, ये रोजगार वाली क्लास है, एक कदम सफलता की ओर। और आधुनिक भारत का महाकुंभ चल रहा है, और इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ 1000 इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का MCQ, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। जिस भी परीक्षा में हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें 50% क्वेश्चन हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया से रहता है। और अगर आप ये 1000 प्रश्नों की सीरीज को पूरी तरह से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में क्या होगा, ये टकराएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए बिना समय गवाए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड 50 इंपॉर्टेंट MCQ आज की सीरीज में। कितने MCQ हैं? 50। पहला सवाल है मित्रों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। बिल्कुल, डॉक्टर एनी बेसेंट क्या थी? थियोसोफिस्ट थी। और ये कहाँ की महिला थी? तो ये आयरलैंड की महिला थी। और डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही भारत में क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। बिल्कुल, थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय मद्रास के DR में था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पर महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह क्या है? गलत है मित्रों। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी पर एक विशेष क्लास मेरे द्वारा भी डाला गया है, अगर अभी तक आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो सर्वेस क्लासेस KGG के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और गांधी जी के बारे में थोड़ा डिटेल से वीडियो देखिए, गांधी जयंती स्पेशल वीडियो क्या है। तो इसका सही जवाब मित्रों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका D। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा D। अगला सवाल देखते मित्रों, दारुल उलम की स्थापना किसने की थी? दारुल उलम की स्थापना किसने की थी? मौलाना सिबली नेमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, या मौलाना अब्दुल चक्र ललवी ने, या मौलाना अहमद रिजा खान ने? तो किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने। किसने की थी मित्रों? मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। आइए, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन मित्रों विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के। किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला सवाल मित्रों, हैली पद्धति संबंधित थी। हैली पद्धति संबंधित थी आपको बंधुआ मजदूरी से। किससे संबंधित थी? मधुआ मजदूरी से संबंधित थी। क्या चीज? हैली पद्धति। अगला सवाल, वर्म सभा की स्थापना किसने की? तो वर्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और ये राजा राम मोहन राय ने इस सभा की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने मित्रों की थी 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। और ज़्यादा इस पर इसलिए डिस्कशन नहीं करें कि आज राजा राम मोहन राय से संबंधित लगभग इस सेट में 5 सवाल हैं, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे सवाल आज के सेट में उपलब्ध हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है मित्रों? 1828 में। अगला सवाल है मित्रों, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रगण्य नेता, अग्रगण्य दूत कौन था? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रगण्य दूत थे राजा राम मोहन राय, और इन्हें भारत के आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और प्रेस का भी जन्मदाता कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और ये प्रश्न भी क्या है? आगे आने वाला है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का। बाल विवाह का तो वो पुरजोर विरोधी थे। सती प्रथा का, इसका तो वो इतना विरोध किए थे कि कहा नहीं जा सकता। मेन बात क्या है कि उनकी भाभी को जलाया जा रहा था सती प्रथा में।
तो इस बात से उनको क्या हुआ, बहुत खेद हुआ, और उन्होंने फिर सती प्रथा को विलियम बेंटिक के साथ मिलकर अंत करा के क्या हुए माने। और पाश्चात्य शिक्षा का राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, धूर समर्थक थे। क्या थे? धूर समर्थक थे। तो ये आपका क्या होगा मित्रों, आपका सही यही होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं मित्रों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी मित्रों आत्मीय सभा। क्या थी? आत्मीय सभा। वर्ग सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तत्बोधनी सभा भी राजा राम मोहन राय की सभा थी, लेकिन पहली सभा थी कौन सी? आत्मीय सभा। कौन थी मित्रों? आत्मीय सभा थी। वर्म समाज का सिद्धांत आधारित था। तो वर्म समाज का नास्तिकता पे या अद्वैतवाद पर या एक द्वैतवाद पे, तो ये किस पे आधारित था मित्रों? एक द्वैतवाद पर आधारित था। मतलब वर्म समाज कहता था कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर क्या है? एक। मतलब अल्लाह राम और रहीम सभी क्या है? एक है। और ये किस पे संबंधित था? तो एक द्वैतवाद से संबंधित था। अगला सवाल, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी मित्रों आर्य समाज की। और आज का सीरीज ही है दयानंद, भारत के समाज सुधारियों पर संबंधित क्या है, 50 क्वेश्चन मौजूद है आज के सीरीज में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्य समाज का। और कब किया था? 1875 में। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह सवाल मित्रों पहले ही बताया जा चुका है। इसकी किसने दी थी? तो यह दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने दी थी। और उपाधि देकर क्या किया था अकबर द्वितीय ने इनको? उपाधि देकर इनको लंदन भेजा था अपना सैलरी पेंशन बढ़वाने के लिए। लेकिन लंदन में मस्तिष्क ज्वार की वजह से राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई? लंदन में ही हो गई। और वहीं पर इन्हें क्या किया गया? इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। आइए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो अगर आप डीएबी में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये इसका कुछ अंश क्या होता है? इसका कुछ अंश डीएबी में, पूरा अंश बचपन से लेके और 10th 12th तक डीएबी में पूरा सत्यार्थ प्रकाश को हल्का हल्का करके पढ़ा दिया जाता है। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसे इंडिया का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विरजानंद महाराज जी। अगला सवाल, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन क्या था पता है मित्रों? शुद्धि आंदोलन था कि जो भी आपके पहले क्या थे, पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो उन सबों को आर्य समाज ने क्या किया? शुद्धि आंदोलन करके फिर से उन सबों को क्या बनाया? हिंदू बनाया। तो ये कौन था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज ने किया था। किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पंडुरंग। कौन थे? आत्मारंग पंडुरंग क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और देखिए, प्रार्थना समाज का संस्था के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आत्मारंग पंडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आत्मारंग पंडुरंग पहले में थे और यहाँ क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ इसका जवाब क्या होगा? महादेव गोविंद रानाडे। और इसे क्या कहा जाता था? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। आइए मित्रों, अत्र देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना की थी मित्रों रामकृष्ण परमहंस ने, नहीं शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला सवाल मित्रों, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ का व्यक्ति था? ये अमेरिका का। और भारत का कौन कहलाता है मित्रों? तो भारत का कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक, बचपन का नाम मूल शंकर, गुरुजी विरदानंद, ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का स्थापना 1875 में। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था?
तो पिछड़े वर्गों का उत्थान मित्रों सत्य शोधक समाज का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और सत्य शोधक समाज को किसने बनाया था, तो सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फूले ने बनाया था। किसने स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की, ज्योतिबा फूले ने। और ज्योतिबा फूले ने ही किस पुस्तक की रचना की थी, गुलामगिरी की रचना की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। देखिए ईश्वरचंद विद्या जब राजा राम मोहन राय क्या कर रहा था, सती प्रथा पर कानून ला रहा था, तो उसका भी विरोध किया था इसने। और ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति है आपके मित्रों राधाकांत देव। कौन है, राधाकांत देव है। आइए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे मित्रों शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था, तो महाराष्ट्र के एक सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख को ही महाराष्ट्र में टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था, तो दिया गया था टाइटल लोक हितवादी का। किसे कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी। ये भी क्या थे, फारसी से मित्रों। सर रुस्तम बहराम जी ये भी फारसी थे। नवल जी टाटा ये भी फारसी थे। लेकिन 19वीं शताब्दी की महानतम फारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। कौन थे, बहराम जी एम मालावारी। अगला सवाल, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट मित्रों था बच्चों के विवाह से संबंधित उम्र का निर्धारण से। और ये आपको पारित हुआ था 1891 में। कब हुआ था, 1891 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1891 में पारित हुआ था। अगला सवाल मित्रों, गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो गुलामगिरी का लेखक था मित्रों ज्योतिबा फूले। कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फूले। और क्या किए थे, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने दलितों के लिए आवाज उठाया था। कौन, ज्योतिबा फूले पहले व्यक्ति थे जो दलितों के लिए क्या किए थे, आवाज उठाए थे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, यह भी शादियों से संबंधित था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पहले वर्ण समाज के प्रतिनिधि रहे और बाद में देव समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन ने। किसने, केशव चंद्र सेन ने मित्रों। किसने, केशव चंद्र सेन ने। आइए निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। ये थे मित्रों आपके ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। मतलब विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने जोर शोर से आवाज उठाई और अपने बेटा का विवाह भी ये किससे करवाए थे, एक विधवा से करवाए थे। तो कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर आपका क्या होगा, सही जवाब। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितनी उम्र निर्धारित की थी, 14 इयर्स लड़कियों की। अभी वर्तमान में लड़कियों का न्यूनतम उम्र कितना है, 18 इयर्स। लेकिन इस समय 1872 में 14 साल क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। शारदा एक्ट संबंधित है मित्रों, शारदा एक्ट भी किससे संबंधित है, तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से क्या है, संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित, और ये शारदा एक्ट भी किसके प्रयास से लाया गया था, तो ये शारदा एक्ट भी लाया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। कौन, शारदा एक्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, राजा राम मोहन राय वर्ण समाज बिल्कुल सुमेलित है। और कब किया था स्थापना, 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती यार समाज बिल्कुल क्या है, सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बिल्कुल ये भी क्या है, सुमेलित है। लेकिन महादेव गोविंद रानाडे ये क्या है, नहीं, ये क्या किए थे, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग के साथ मिलकर। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की किसने की थी, ये आगे के प्रश्न में है ही, तो इसलिए अभी क्या है, समय ठीक है। एम सी शीतलवार, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे।
ये मित्रों कहाँ के प्रख्यात सदस्य थे, तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, क्या थे, प्रख्यात सदस्य थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किसने की थी, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, देखिए मित्रों क्वेश्चन आ गया, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी, 1905 में की थी। और ये क्या थे, तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी इन्हीं के कहने पे दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद एक साल तक सेकेंड क्लास के डब्बा में बैठ के पूरा इंडिया घूमे थे गांधी जी। किसके कहने पे, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। अगर मित्रों आपको यह सवाल अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो बहुजन समाज का संस्थापक था मित्रों कौन, श्री नारायण गुरु या मुकुंदरा पाटिल या डॉक्टर वी आर अंबेडकर या वी आर शिंदे। तो इसका सही जवाब है मित्रों मुकुंदरा पाटिल। कौन था, अब देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारक को में से संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो संस्कृत के विद्वान थे, तो ऐसे कौन से, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल। ये तो सत्यास प्रकाश की रचना ही किसमें करते हैं, संस्कृत में करते हैं। उसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये भी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय, इनको तो 14 भाषाएं आती थी मित्रों। कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं आती थी, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत, पता नहीं और क्या है, उपयुक्त में से सभी। तो ये इसका सही जवाब क्या है, उपयुक्त में से सभी। सभी व्यक्ति संस्कृत के क्या थे, प्रखंड विद्वान थे, सभी को संस्कृत में प्रवीणता हासिल थी। तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्यु मा अमृतगमे, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल की, लेकिन ये कब की, 1875 में, पहले तो हुआ नहीं। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का स्थापना की, ये किससे संबंधित था, तो ये आपको किसानों के नीला विद्रोह से संबंधित था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1855 से 60 में हुई थी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ का लेखन किया था, लेकिन ये भी कब किया था, 1860 के बाद किया था, 1870 के दशक में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने, ये भी बने थे, लेकिन कब बने थे मित्रों, ये 1869 में बने थे। तो अच्छा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो हुई थी दीन बंधु मित्र ने किसकी रचना की थी, नील दर्पण की रचना की थी। और ये नील दर्पण किससे संबंधित है, तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। आइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था, क्वेश्चन रिपीट कर गया है मित्रों, किसने विभूषित किया था, तो आपको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और विभूषित करके कहाँ भेजा था, लंदन। किस लिए भेजा था, अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु क्या हो गई थी, वहीं पर हो गई थी। आइए मित्रों, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेल्ली में भयंकर दंगे हुए, मतलब दंगा हो गया था मंदिर में प्रवेश को लेके। तो वहाँ की जाति थी नडार जाति, जो कि क्या थी, जो निम्न जाति समझी जाती थी। और नडार जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और इसी वजह से क्या हुआ वहाँ दंगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका मित्रों, नडार। ये सब क्वेश्चन क्या है मित्रों, VVI है। ऐसे प्रश्न ही क्या होते हैं, एग्जाम में टपकते हैं, छपते हैं, छपते। और अगर आप इस सीरीज को कर रहे हैं तो आप देखते सा टक से मारिएगा क्या। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी, देखिए मित्रों उस समय था कि क्या, गोविंद महादेव, गोविंद रानाडे ने थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना की थी। अब आ गया किसने की थी, तो मैडम H.P. वाल्वस्की ने की थी। किसने की थी, मैडम H.P. वाल्वस्की ने की थी, ठीक ना। आइए, प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक की रचना। और अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और ये तूफानी हिंदू के द्वारा लिखा गया है। और मित्रों तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। किसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। और इनके बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र। क्या नाम था, नरेंद्र। और इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। आइए, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व मित्रों सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आइए,
भारत संघ के संस्थापक कौन था? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, ए वो यू, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आइए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये कौन था मित्रों? तो ये भी था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्त होने के वजह से ही इन्होंने क्या किया, अंग्रेज के नाक में दम करने की ठानी और ढेर सारी संस्था बनाई, और यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कौन बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने। क्या सही है? मजा आ रहा है तो दबा के क्या कीजिए, लाइक लाइक दबा दीजिए एकदम। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी मित्रों? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब छापते हैं तो मुझे लगेगा कि आप क्या हैं, सीरियस हैं, और आपके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपका रिजल्ट क्या हो, अवश्य से अवश्य हो। चलिए, भारत के जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? 1838 में जिसकी स्थापना हुई उसका नाम था मित्रों जमींदारी एसोसिएशन। क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन नाम था। आइए, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे मित्रों फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। और जब कांग्रेस बना तो ये लोग क्या हुए, सब आदमी आके कांग्रेस में मिल गए थे, ठीक ना। अगला जवाब, इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मित्रों बना था कौन? तो बना था आपका अबुल कलाम आजाद। कौन बना था? और आजादी के पहले सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आजाद। आजादी के बाद कौन हो गए? तो आजादी के बाद सोनिया गांधी हो गई, जो कि क्या है, महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और वहीं पर क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था? तो ये कौन था मित्रों? ये था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, किसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था मित्रों कि मेरी यह तमन्ना है कि मेरे जीते जी और मेरे बाईस राय रहते के दरमियान कांग्रेस क्या हो, लड़खड़ा कर मर जाए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मित्रों आपके चितरंजन दास ने, और इसी में प्रस्ताव लाया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, 1923 का चुनाव लड़ेंगे और असेंबली में जाकर अंग्रेज के नाक में दम करेंगे। लेकिन गांधी जी ने इस पर क्या किया, स्टे लगा दिया, और इस वजह से चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी बनाते हैं।